क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 3 चैप्टर 2 नशरुद्दीन्स ए। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। तो अभी हम लोग टेक्सचुअल एक्सरसाइज देख रहे हैं पेज नंबर 51 पे। यहाँ पर पढ़ते हैं स्टेटमेंट, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विद अ वर्ड फ्रॉम द क्वीवर एंड री राइट द सेंटेंस। ये जो क्वीवर है, मतलब जहाँ पे तीर रखे जाते हैं, उसे कहते हैं क्वीवर। तो उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे बोल्ड जो वर्ड है उसे हमें चेंज करने हैं यहाँ से। तो देखते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। तो इन नो टाइम मतलब थोड़ी ही टाइम में, नो टाइम मतलब थोड़े ही टाइम में, ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट मतलब ऑब्जेक्ट पे जो निशाना लगाना था। तो निशाना क्या होता है? टारगेट। इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। तो मतलब आगे का सेंटेंस वैसे का वैसा, और ऑब्जेक्ट द एम्ड एट मतलब टारगेट, उसका मतलब होता है टारगेट। तो यहाँ पे लिखना है टारगेट, फुल पॉइंट। नशरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। श्योरली मतलब पक्का, नशरुद्दीन अच्छा टीचर नहीं था। तो नशरुद्दीन वॉज सर्टेनली, सर्टेनली भी उसका वर्ड मीनिंग ही है, नॉट अ गुड आर्चर, फुल पॉइंट। द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। द टीचर सेड समथिंग मतलब कुछ कहना, रिमार्क्ड ऑन मतलब भी कुछ बात पे रिमार्क देना या कुछ कहना। द टीचर सेम टू सेम, द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग, फुल स्टॉप, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा। लेट्स राइट में पिक्चर देख के आप लोगों को पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 54 पे, लेट्स प्ले। तो यहाँ पे टाइटल पढ़ते हैं, फिल इन द ग्रिड विथ वर्ड्स गिवन बिलो, यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस। यहाँ पे ये एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें से यूज करके हमें यहाँ पे ये ग्रिड फिलअप करना है। तो नेम ऑफ द गेम, वॉट यू प्ले विद किसके साथ आप खेलते हो, वेर यू प्ले इट कहाँ पे खेलते हो, एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, ये लिखना है। तो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं विद द हेल्प ऑफ बैट एंड बॉल, तो यहाँ पे बैट एंड बॉल लिखा हुआ है, तो बैट एंड बॉल। हॉकी विथ स्टिक, टेनिस बॉल, टेबल टेनिस विथ रैकेट, तो रैकेट यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखना है। फुटबॉल विथ फुटबॉल, ये रहा फुटबॉल। वेर यू प्ले इट, तो क्रिकेट हम लोग ग्राउंड पे खेलते हैं, ग्राउंड। एक ही वर्ड बार बार यूज भी कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। हॉकी ऑन द ग्राउंड, टेनिस स्टेडियम में, फुटबॉल ग्राउंड में। नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो क्रिकेट में 11, हॉकी में भी 11, टेबल टेनिस में 2 to 4, दो से चार लोग होते हैं, फुटबॉल में 11। तो ये हो गया ग्रिड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब ये इंफॉर्मेशन यूज करके हमें यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने हैं हर एक गेम के बारे में। तो फर्स्ट वन हमें करके दिया है क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम। तो हम लोग हॉकी के बारे में भी लिख सकते हैं, हॉकी इज एन आउटडोर गेम। नेक्स्ट, वी प्ले इट विथ अ बैट एंड बॉल, तो हम लोग हॉकी किसके साथ खेलते हैं, स्टिक के साथ, तो वी प्ले इट विथ अ स्टिक। थर्ड सेंटेंस, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, तो हम लोग यहाँ पे भी इसमें भी लिख सकते हैं, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3 वर्कबुक में से। तो नशरुद्दीन्स एम में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे नशरुद्दीन एम वाले में पहले तो आंसर द क्वेश्चंस, ये मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं,
राइट करेक्ट ऑप्शंस भी करवाए हैं और ये वाला पेज भी मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन 3 समझ रहे हैं अभी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब विद आईएनजी। यहाँ पे वर्ब दिए हुए हैं। वर्ब मतलब एक्टिविटी बताना, एक्टिविटी जो बताता है वो वाला वर्ड होता है वर्ब। यहाँ पे वर्ब के पीछे लगाना है आईएनजी। जब कभी भी वर्ब के पीछे आईएनजी लगे तो वो हो जाता है कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सिंपल पास्ट टेंस वाला समझाया था कि अगर पास्ट में कोई एक्टिविटी हो तो उसमें दो वर्ड्स यूज होते हैं, वॉज एंड वर। लेकिन अभी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में अगर कोई प्रोसेस चल रही है तो उसमें वर्ब के पीछे आईएनजी, या तो फिर प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी चल रही है तो प्रेजेंट में आर और इज होता है। जैसे यहाँ पे आर और इज है, तो इज और आर के पीछे अगर वर्ब हो और वर्ब के पीछे आईएनजी लगे तो वो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर एग्जांपल के तौर पे ले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो मैं अभी आप लोगों को ये एक्टिविटी समझा रही हूँ, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एक्टिविटी। तो एम प्लस एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन वर्ब होता है लेकिन आईएनजी पीछे लगा तो वो हो गया सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वॉज वर हो, वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी तो वो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले आप लोगों ने वॉज वर देखा था, वॉज मतलब सिंगुलर, वर मतलब प्लूरल के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। तो एक्सप्लेनिंग एम प्लस आई एन जी वर्ब एक्सप्लेन, एम बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है और ing मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस। तो am प्लस वर्ब प्लस ing पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। I was studying, तो यहाँ पे was प्लस वर्ब प्लस ing, तो was प्लस वर्ब प्लस ing हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो समझ आ रहा होगा। तो जब कभी भी वर्ब में पीछे आईएनजी लगे तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। अगर वॉज वर हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, इज एम आर हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो शीतल वॉज क्लोज, क्लोज है तो क्लोजिंग। द बॉयज आर स्विम है तो स्विमिंग इन द रिवर। टीना इज राइडिंग अ हॉर्स, तो राइड का हो गया राइडिंग। द चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द ट्री, तो सीट का सिटिंग। याद रखना है सीट में एस आई टी डबल आई एन जी हो जाएगा और यहाँ पे राइड है डी आर आई डी ई है, तो डी ई निकल जाएगा और ई की जगह पे हो जाएगा आई। तो यहाँ पे स्पेलिंग्स याद रखने होंगे कि कौन सा कहाँ पे क्या बदलेगा। वी वर प्लेइंग इन द गार्डन, तो प्ले के पीछे आई एन जी। नेक्स्ट टॉपिक है राइट क्वेश्चंस विथ व्हाट वेयर हाउ मैनी टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर। तो याद रखना है कि क्वेश्चन बनाने से पहले वर्ड्स जो दिए हुए हैं उसी को यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है। तो व्हाट मतलब होता है क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मैनी मतलब कितने। तो
क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला वर्ड ये तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर से क्वेश्चन बनाना है। जब कभी भी आंसर के ऊपर से क्वेश्चन बनाना हो तो पहले पढ़ना पड़ता है आंसर, तो उसके ऊपर से पता चलेगा कि हमें व्हाट यूज़ करना है, वेयर यूज़ करना है कि हाउ मेनी यूज़ करना है। देर आर 10 मार्बल्स इन द ग्लास, और यहाँ पे 10 को अंडरलाइन किया हुआ है। 10 मतलब काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग किस में आती है, हाउ मैनी। वेयर तो नहीं आ सकता, कहाँ पे ये तो नहीं पूछा या ये तो नहीं बताया। व्हाट मतलब क्या, ये भी नहीं है, तो काउंटिंग है। तो हाउ मैनी मार्बल्स आर देर इन द ग्लास, तो करना क्या है, हाउ मैनी रखना है सबसे पहले, फिर मार्बल्स, मार्बल्स को उसके बाद लिखना है। तो 10 की जगह पे हाउ मैनी, फिर मार्बल्स, फिर यहाँ से लिखना है देर आर नहीं लिखना है। तो हाउ मैनी मार्बल्स आर देर इन द क्लास, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो हाउ मैनी मार्बल्स देर आर इन द ग्लास, आर पहले लिखो या आर बाद में लिखो चलता है। नितिन इज लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश लर्न करना है, तो व्हाट इज नितिन लर्निंग, और याद रखना है हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना ही चाहिए। तो नितिन क्या लर्न कर रहा है, तो व्हाट इज नितिन लर्निंग। नेक्स्ट है अभय इज रीडिंग अ स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक, तो अभय क्या पढ़ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो व्हाट इज अभय रीडिंग या व्हाट अभय इज रीडिंग, तो इज पहले लिखो बाद में लिखो डजंट मैटर। फादर इज गोइंग टू जामनगर, तो जामनगर एक डेस्टिनेशन है, तो हम लोगों को ये बताना है कि फादर कहाँ जा रहे, तो कहाँ के लिए यूज होगा वेयर। तो वेयर इज फादर गोइंग, जय इज बाइंग टू पेन्स, तो टू मतलब काउंटिंग हुआ, तो हाउ मैनी पेन्स जय इज बाइंग, या तो हाउ मैनी पेन्स इज जय बाइंग, आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन पेन को बताना है, तो हाउ मैनी और पेन्स तो साथ में ही आने चाहिए, समझ आ रहा होगा। द पोएम प्यून इज रिंगिंग द बेल, तो हु इज रिंगिंग द बेल, द प्यून इज रिंगिंग द बेल, ये क्वेश्चन है, तो ये एक्चुअली में इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, तो हम लोग व्हाट वेयर या हाउ मैनी यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह पे हु मतलब कौन, हु इज रिंगिंग द बेल। द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड मतलब जगह हुई, तो वेयर आर काउज ग्रेजिंग, तो या तो फिर वेयर काउज आर ग्रेजिंग, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। एंड और बट का मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया, दो सेंटेंस के बीच में एंड कब लगता है, जब कभी भी ट्रांसलेशन में हमें पता चले और, तो और के लिए होता है एंड, बट मतलब फिर भी, ये इसने ऐसा किया फिर भी वो फर्स्ट नहीं आया, उसने बहुत पढ़ाई की लेकिन वो फर्स्ट नहीं आया, फिर भी बोल सकते हो या लेकिन भी बोल सकते हो। तो एंड मतलब माय मदर एंड फादर, मेरे मम्मी और पापा बोथ आर वर्किंग, माय मदर एंड फादर आर वर्किंग, तो एंड आया। बट कब आएगा, जब कभी भी फिर भी यूज़ करना, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, वो बहुत मेहनत कर रहा था, उसने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन फिर भी वो फेल हुआ, तो बट, तो एंड और बट यूज़ करके आप लोग सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। और फुल पॉइंट आया मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो दो सेंटेंसेस में से बीच का फुल पॉइंट निकाल देना है और उसकी जगह पे एंड या तो बट रख।
नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 8। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। व्हेन ऑल द डेज आर हॉट एंड लॉन्ग एंड रॉबिन बर्ड हैज सीज्ड हिज सॉन्ग, आई गो स्विमिंग एवरी डे एंड हैव द फाइनेस्ट काइंड ऑफ प्ले, आई हैव लर्न टू डाइव एंड आई कैन फ्लोट एज इजीली एज डज अ बोट, I splash and plunge and laugh and shout till daddy tells me to come out. It's too much soon. I had liked to cry, for I can see the ducks go by. And daddy duck, how I love him. He lets his children swim and swim. I feel that I would be in luck if only I could be a duck. When all the days are hot and long, जब सारे दिन hot, गर्म और लंबे होते हैं, and robin bird has ceased his song, और robin जो bird का नाम है उसने अपना गाना भी ceased मतलब बंद कर देना, गाना भी बंद कर दिया है, I go स्विमिंग एवरी डे, मैं हर रोज़ स्विमिंग करने जाता हूँ, एंड आई हैव द फाइनेस्ट काइंड ऑफ प्ले, और मेरे पास सबसे अच्छा वाला प्ले है, ये मेरे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वाला गेम है, मतलब ये बात कर रहा है कि स्विमिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, आई हैव लर्न टू डाइव एंड आई कैन फ्लोट एज इजीली एज डज अ बोट, मैंने लर्न किया है डाइव मतलब कूदना, पानी के अंदर जंप लगाना, एंड आई कैन फ्लोट, जंप लगा के अंदर की ओर तैरना उसे कहते हैं डाइव, एंड आई कैन फ्लोट, और मैं पानी के अंदर भी तैर सकता हूँ, डाइव मतलब अंदर भी तैरना, कूद के अंदर की ओर तैरना, एंड फ्लोट का मतलब होता है पानी के ऊपर तैरना, एज इजीली एज डज अ बोट, जैसे कि बोट तैरती है पानी के ऊपर वैसे, आई स्प्लैश एंड आई प्लंज एंड लाफ एंड शाउट, स्प्लैश मतलब पानी के छींटे उड़ाना, प्लंज मतलब जंप लगाना, लाफ हंसता रहता हूँ एंड चिल्लाता भी हूँ, टिल डैडी टेल्स मी टू कम आउट, जब तक मेरे डैडी बुलाते नहीं है बाहर निकलने के लिए, कम आउट मतलब बाहर निकलने के लिए, तब तक मैं ये स्प्लैश करता हूँ, प्लंज करता हूँ, लाफ करता हूँ, शाउट करता हूँ, इट्स टू मच सून, बहुत जल्दी है अभी, जल्दी सून मतलब, आई लाइक टू क्राई, मुझे रोना आ रहा है, फॉर आई कैन सी द डग्स गो बाय, क्योंकि मेरे पास में जो डग्स तैर रहे हैं उनको देख के मुझे रोना आ रहा है, क्यों देखते आगे, एंड डैडी डग हाउ आई लव हिम, और डैडी डक जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, ही लेट्स हिज चिल्ड्रन स्विम एंड स्विम, वो अपने डैडी डक अपने चिल्ड्रन कौन है डकलिंग्स, उनको स्विम करने के लिए अलाउ करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, आई फील दैट आई वुड बी इन लक, मैं लकी होता, आई फील लाइक मैं फील करता हूँ कि आई वुड बी इन लक, मैं लकी होता, इफ ओनली आई कुड बी अ डक, अगर मैं डक होता, इसलिए वो चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तैरे, इसीलिए ये बोल रहा है कि मुझे रोना आ रहा है कि मैं अपने आसपास से जो डक जा रहे हैं ना उनको देख के बहुत मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि डक पूरा दिन पानी में तैरते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। व्हिच सीजन इज़ द बॉय टॉकिंग अबाउट, सीजन का मतलब होता है सीजन, जैसे कि मॉनसून समर विंटर, तो कौन से सीजन की बात कर रहा है, तो द बॉय इज टॉकिंग अबाउट समर सीजन। व्हाट इज द बॉयज डेली एक्टिविटी, वो हर रोज़ क्या करता है, तो द बॉयज डेली एक्टिविटी इज टू गो फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए जा रहा था वो। व्हाट डज द बॉय डू व्हाइल स्विमिंग, वो क्या क्या चीज़ें करता है स्विमिंग करते समय, द बॉय डाइव्स floats, splashes, water, laughs and shouts while swimming. How does the boy feel when his father asks him to stop swimming?
बॉय कैसा फील करता है जब उसके पापा ने उसे स्विमिंग करने को बंद करने को बोला. द बॉय फील्स लाइक ही वॉन्ट्स टू क्राई. उनको उसको रोना आ रहा था. व्हेन हिज फादर आस्क हिम टू स्टॉप स्विमिंग. व्हाई डज द बॉय लाइक डैडी डक मोर देन हिज ओन डैडी. डैडी डक को क्यों चाहता था वो मोर देन हिज ओन डैडी उसके अपने डैडी से. द बॉय लाइक डैडी डक मोर देन हिज ओन डैडी बिकॉज डैडी डक लेट्स हिज चिल्ड्रन स्विम. डैडी डक अपने चिल्ड्रन को स्विम करने के लिए अलाउ कर रहे थे इसलिए डैडी डक को वो ज़्यादा चाहता था. What does the boy wish to be? Boy क्या चाहता है? The boy wishes to be a duck. वो चाहता था कि वो भी एक duck बन जाए. Why does the boy want to be a duck? Duck क्यों बनना चाहता था? The boy wants to swim all day like ducks. Therefore, boy wants to be a duck. उसको पूरा दिन पानी में तैरना था जैसे कि डक तैरते हैं. देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए. इसीलिए बॉय चाहता था डक बनना.